नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोग देख रहे हो अपना टेस्टेड यूट्यूब चैनल, तो आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लेकर आया हूँ मध्य प्रदेश 10वीं और 12वीं क्लास के एग्जाम को लेकर। जैसे कि मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी लोगों को मालूम है एमपी बोर्ड 10th और 12th क्लास के एग्जाम फिलहाल 1 मई तक स्थगित हो चुके हैं। अगला जो फैसला लिया जाएगा वो 1 मई को लिया जाएगा, यानी कि 1 मई को आप लोगों की दोबारा से मीटिंग होनी है, जिसके अंतर्गत आप लोगों के 10th और 12th क्लास के विषय पर फैसला लिया जाएगा। फिलहाल दोस्तों, सूत्रों से जो खबर मिली है उसके तहत मैं आपको बता दूं, जो मीटिंग होने वाली है उसमें 10th क्लास के जो एग्जाम होंगे उनको कैंसिल किया जाएगा और आप लोगों को जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। जनरल प्रमोशन के आधार होंगे आपके हाफ ईयरली एग्जाम और आप लोगों के रिवीजन टेस्ट, जिसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। यदि आपने वो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पर जाके आपको जो रिवीजन टेस्ट और जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन को कैसे जोड़ा जाएगा, कैसे आप लोगों को मार्किंग की जाएगी, कैसे आप लोगों का रिजल्ट तैयार होगा, वो वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उसको देख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे आपको आगे। तो फिलहाल दोस्तों, 10th क्लास की जो खबर मिल रही है उसकी तय तो ये है कि आप लोगों को जनरल प्रमोशन मिलना तय है। आप लोगों को 100% जनरल प्रमोशन मिलने वाला है, लेकिन ऑफिशियली अभी तक आपका लेटर जारी नहीं हुआ। हो सकता है 1 तारीख की मीटिंग में आप लोगों का जो लेटर है दोस्तों वो जारी हो जाए। फिलहाल बात करेंगे 12वीं वाले बच्चों के लिए। तो दोस्तों, 12वीं वाले बच्चों के लिए भी फैसला 1 मई को लिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों 1 मई को जो मीटिंग होने वाली है वो मीटिंग बहुत ही ज़्यादा अहम है। क्योंकि दोस्तों, जैसे राज्य सरकारों की ओर से, जैसे स्टेट बोर्ड्स की ओर से, CBSE बोर्ड की ओर से आप लोगों के 10th के एग्ज़ाम रद्द किए हैं, लेकिन MP सरकार ने ऐसा नहीं किया। क्योंकि MP सरकार कह रही है कि आप लोगों के जनरल प्रमोशन देने से छात्र काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। तो आप लोग हमें अपनी राय जरूर दें कि आप लोग जनरल प्रमोशन की वजह से टेंशन में आ जाएंगे। और फिलहाल दोस्तों, आपसे एक बात और भी है, आप सभी लोग हमसे जुड़ें ताकि हम आप लोगों की आवाज़ों को और भी आगे पहुंचा सकें। हमारी टीम लगातार जुड़ी हुई है ट्विटर हैंडल पे लगातार आपकी आवाज़ों को आगे पहुंचाने के लिए। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है 10th वाले 12th वाले सभी लोग अपने अपने आवाज़ें आगे पहुँचाएँ। वैसे तो दोस्तों, 10th वालों की जो हमारी मुहिम है वो कारगर साबित हुई, आप लोगों को प्रमोशन मिलते दिख रहा है। दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा, आप लोगों को प्रमोशन मिल रहा है, हमें आप सभी लोगों को बधाई भी देते हैं। बात करेंगे 12th वाले, तो जितने भी 12th वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें व्हाट्सएप से जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए, हम आप लोगों के लिए भी मुहिम चलाएंगे ताकि आप लोगों के लिए एग्ज़ाम तो ना हो, कम से कम ओपन बुक से या फिर आप लोगों का ऑनलाइन माध्यम से एग्ज़ाम कराया जाए, ताकि आप सभी छात्रों की जो तबीयत है वो बिल्कुल ना ख़राब हो, COVID-19 के संक्रमण किसी को ना हो, दोस्तों सभी स्वस्थ रहें और अच्छे से एग्ज़ाम देते रहें। फिलहाल आपको एक बात और भी बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से ये ऐलान किया गया था कि उन्होंने साफ साफ कहा है, मैं नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार से कोई भी एग्ज़ाम मध्य प्रदेश में कराया जाए, क्योंकि दोस्तों संक्रमण इतना खतरनाक है, इतना भयानक है, इसको काबू करना बहुत ही ज़्यादा संभावना नहीं हो पा रही। तो यहाँ पर दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से बोला गया है कि आप लोगों के लिए जो भी एग्ज़ाम है वो फिलहाल स्थगित कर दी जाए। फिलहाल एग्ज़ाम जरूरी नहीं है, जान है तो जहान है, यदि आप लोगों की जान सुरक्षित रही है तो एग्ज़ाम तो दोस्तों आने वाले समय में कभी भी करा लिए जाएंगे। फिलहाल दोस्तों, स्थिति देखते हुए ऐसा ही लग रहा है कि आप लोगों के मध्य प्रदेश में लॉकडाउन की संभावना और भी बढ़ सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने आगामी 3 महीने का राशन इसी महीने देने को कहा है, जो कि संकेत हैं कुछ ऐसा जो कि बहुत बड़ा होने वाला है। इसके ऊपर दोस्तों अलग से वीडियो बना दी है, देख लीजिएगा। फिलहाल दोस्तों बता दूँ कि आप लोगों को 1 अप्रैल, 2 मई और 3 जून का राशन इकट्ठा मिलने वाला है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आगे जाके लॉकडाउन की जो टाइम है, टाइम ड्यूरेशन है, उसको मई से बढ़ाकर जून तक भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी फिलहाल 30 अप्रैल तक का लॉकडाउन लगा है, हो सकता है इसको 30 मई या 30 जून तक भी किया जा सकता है, अभी कोई ऑफिशियल नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर ऐसा होता है तो आपको यहाँ पर 12th वालों को 100% जनरल प्रमोशन मिलेगा, या फिर ओपन बुक माध्यम से या फिर ऑनलाइन माध्यम से परीक्षाएं कराई जाएंगी। आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, एग्ज़ाम ऑनलाइन होना चाहिए या फिर ओपन बुक माध्यम से, ताकि दोस्तों आप सभी लोगों के साथ मुहिम में शामिल होकर हम आप लोगों की बातों को आगे पहुंचा सकें। ट्विटर पर जुड़ जाइए, टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, व्हाट्सएप पर जुड़ जाइए, ताकि आप सभी लोगों को रेगुलरली अपडेट्स मिल सके। उम्मीद करता हूँ खबर अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी, तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।